दोस्तों एक बार फिर से संवर्धना मदरसन के स्टॉक के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों नज़र क्यों बनी हुई है उसका भी एक रीज़न है, और इसमें दोस्तों इतना उछाल क्यों देखने को मिला इसका भी रीज़न है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज दोस्तों स्टॉक टॉप 10 की लिस्ट में एड है। आज स्टॉक में टॉप 10 में दोस्तों वॉल्यूम हुआ है दोस्तों, काफ़ी स्टॉक में बाइंग बनी हुई है, लगभग 80-90% बाइंग बनी हुई है, और काफ़ी लोग ऐसे भी जो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर रहे हैं। तो दोस्तों दोनों के लिए क्या राय है, हम इस वीडियो को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग दोस्तों ये रहेगा कि इन्वेस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो आप दोस्तों मत करना। दूसरा भाग ये रहेगा अपना, दूसरा ये रहेगा कि टारगेट बुक कर रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। देखो टारगेट की बात करो हमें, तो टारगेट आपको शॉर्ट टाइम के लिए 200 का लेकर चलना पड़ेगा। जो लोग आज की प्राइस पर एग्जिट कर रहे हैं ना, उनको मैं एक ही बात कहूँगा, मत करो एग्जिट। आप 230 का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा आने वाले एक मंथ के अंदर। कंपनी जो गिरावट हुई थी 5 अगस्त को, रिकवरी हो चुकी है फाइनली, काफ़ी बड़ी रिकवरी करवा दी आपकी, रिकवरी हो गई है। यहाँ पे अगर मैं एक मंथ की बात करूँगा तो दोस्तों एक मंथ में 175 रुपीज़ के आसपास 5 अगस्त को स्टॉक आया था। धीरे 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 फिर से पिछले प्राइस पे स्टॉक फाइनली आ गया है। आज दोस्तों लगभग 196 रुपीज़ के आसपास का हाई बना दिया है, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने यहाँ पे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बेस्ट स्टॉक है ये। और दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से न्यूज़ आई थी कल, उसके बाद दोस्तों इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कुछ प्रीमियम के न्यूज़ थी इसके ऊपर, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए दोस्तों कुछ नोटिस भेजा था, उसके बाद दोस्तों स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग टाइम पर्पज स्टॉक काफ़ी बेस्ट है, बिल्कुल आप इसको होल्ड करो लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम की नहीं बोलूँगा मैं, लॉन्ग टाइम में दोस्तों स्टॉक का आपको टारगेट 500 का भी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के लिए। अगर कोई सवाल है, कोई मन में क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अभी बिल्कुल बता सकते हो। धन्यवाद।